हाय गाइस, दिस इज रज्जू। मुझे पता है मैं थोड़ा लेट हूँ, बट यार वीडियो तो बनाना ही था। थंबनेल एंड टाइटल से तो तुम समझ ही गए होंगे कि आज के वीडियो में हम लोकी सीजन 2 के ट्रेलर के बारे में बात करेंगे। पर्सनली ये सीरीज मुझे काफी ज्यादा पसंद है, एंड अब इसका ट्रेलर देखने के बाद से मुझे ऐसा लग रहा है कि यार 6 अक्टूबर तो बहुत दूर है। मार्वल वाले थोड़ा जल्दी नहीं कर सकते थे क्या? एनीवेज, ट्रेलर की शुरुआत होता है लोकी सीजन 1 के लास्ट सीन से, जहां पे लोकी एक दूसरे टाइमलाइन की टीवी में चला जाता है, एंड वहां पे मॉर्बियस इस लोकी को जानता ही नहीं है। इसलिए मॉर्बियस लोकी को ले जाता है ओबी के पास लोकी की एक प्रॉब्लम को फिक्स करने के लिए, जिसका नाम है टाइम स्लिपिंग। एक टाइम से दूसरे टाइम में ऑटोमेटिकली स्लिप हो जाना। बेसिकली लोकी एक टाइम से दूसरे टाइम में, यानी पास्ट फ्यूचर प्रेजेंट कहीं पर भी अचानक से स्लिप हो जाता है। अब ओबी बताता है टीवी में टाइम स्लिपिंग होता ही नहीं है, इसलिए इसका इलाज भी नहीं है। अब जब तक लोकी का ये प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो जाएगा, तब तक वो टाइम स्लिप करता रहेगा, एंड कभी पास्ट में, कभी फ्यूचर में, कभी किसी टाइमलाइन में जाके खुद से ही मिलेगा। एक सीन के एक पोस्टर में मैंने नोटिस किया जहां लिखा हुआ है ज़ेनियक। इसके बाद एक सीन था एक्टर का जो कि ब्रैड वुल्फ है। अब ये ब्रैड वुल्फ ही ज़ेनियक मॉन्स्टर होने वाला है, जो इस सीरीज में एक छोटा सा विलन होगा, क्योंकि मेन विलन तो अपना कैंग ही है। अभी ज़ेनियक को एक सीन पे दिखाया जाता है कि दो लोकी के शैडोज पकड़ा हुआ है, एंड लास्ट में दिखाया जाता है कि उसको टीवीएस सेल में कैद करके रखा हुआ है, मतलब उसको पकड़ लिया गया है। इसलिए मुझे लगता है जिस तरह लोकी सीजन 1 में मॉर्बियस और लोकी के एक वेरिएंट को पकड़ने के लिए मिशन पर निकलते हैं, वैसे ही सीजन 2 पे हमें ये मिशन देखने को मिलेगा कि किस तरह से मॉर्बियस और लोकी ज़ेनियक को पकड़ते हैं। अब ज़ेनियक जो बंदा है, ये कॉमिक में एक एक्टर होता है जो कि एक सीरियल किलर का रोल निभाता है, एंड बाद में खुद ही एक सीरियल किलर बन जाता है। अब इसका कनेक्शन लोकी सीजन 2 में कैसे होगा, ये देखने वाली बात है। अब मैंने ट्रेलर को हिंदी एंड इंग्लिश दोनों में ही देखा, बट मुझे हिंदी में एक डायलॉग सबसे ज्यादा अच्छा लगा, जो कि है, बहुत हो गई शराफत, अब होगी शरारत। कसम से यार, इस डायलॉग ने दिल जीत लिया। काश मैं भी टाइम स्लिप कर पाता, फिर मैं तो अभी फ्यूचर में जाके पूरा सीजन देख के आ जाता। बट अब इंतजार के अलावा कुछ कर भी नहीं सकते, पर हाँ तुम जरूर कर सकते हो। गेमिंग चैनल पर न्यू वीडियो आ चुका है, जाओ और जाके देखो, एंड कमेंट करके बताओ कैसा लगा। अब इस वीडियो पे लाइक तो ऑलरेडी कर ही दिया होगा तुमने अगर यहाँ तक वीडियो देख रहे हो, तो सब्सक्राइब भी कर लो अगर नहीं किया। तो मैं मिलता हूँ किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।